हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले इंस्टाग्राम के एक वायरल फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इस तरह की फोटो बना सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, बिना स्किप किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो किस तरह का लगा। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे बोलना चाहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के ट्यूटोरियल आपको डेली मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप इस तरह की आने वाली वीडियो से मिस ना हो पाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, इस बैकग्राउंड को सेंड कर देना है पिक्सार्ट ऐप में। इस बैकग्राउंड और सारे सारे जो पीएनजी मैं यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। यहाँ से मैं इसे सेंड कर दूंगा, यहाँ से पिक्सार्ट ऐप में, यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड को सेंड कर दिया है पिक्सार्ट ऐप में। अब हम इस पर ऐड करेंगे अपने मॉडल को। तो मॉडल को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको चले जाना है ऐड फोटो के ऑप्शन में और यहाँ से आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह का पोज वाला मॉडल सिलेक्ट करा है। तो यहाँ पर हम अपनी फोटो का बैकग्राउंड इरेज करेंगे। तो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए यहाँ पर आपको चले जाना है कटआउट वाले ऑप्शन में, यहाँ से हम चले जाएंगे। कटआउट वाले ऑप्शन में आने वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहा ये वाला आइकन, सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है। तो हम टैप कर देंगे। टैप हो जाने वक्त आपके यहाँ पर साइज को छोटा कर देना है। तो हम साइज को छोटा कर देंगे। और साइज को छोटा करने के बाद यहाँ पर आपको मॉडल के ऊपर इस तरह से आउटलाइन को ड्रॉ कर देना है। तो हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन को ड्रॉ कर दिया है। आपको यहाँ पर ये वाला एरो नजर आ रहा है, सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है और थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मॉडल यहाँ पर काफ़ी हद तक सेलेक्ट हो चुका है। और जो कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ है उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ब्रश वाले आइकन पर टैप कर देते हैं और टैप करने के बाद यहाँ पर मैं साइज को छोटा कर दूंगा और हार्डनेस को फुल कर दूंगा। और फुल करने के बाद यहाँ पर मैं एडजस्ट करते जाऊँगा। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सारा का सारा सेलेक्ट कर लिया है, इसको आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मॉडल का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ऐसा करीब इतना बड़ा कर दूंगा। और बड़ा करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। तो ऐसे हम लगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आपको यहाँ पर लैपटॉप कैसे लगाना है। तो यार, मैं लैपटॉप का पीएनजी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर अगर आपकी इच्छा हो तो आप लगा सकते हैं, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना गाइस। तो एडजस्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली डन कर देना है। तो हम डन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पिक्सार्ट का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रिटच करेंगे लाइटरूम से ताकि हमको एक बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड हो। तो पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन में, यहाँ से हम चले जाएंगे। ड्रॉ वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 3 डॉट का ऑप्शन, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो दोस्तों, अब आपको इस फोटो को ओपन कर लेना है लाइटरूम ऐप में। तो अब हम चलते हैं लाइटरूम ऐप की तरफ। यहाँ पर मैंने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको इमेज प्लस के आइकन पर जाकर आपको वही फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑल फोटोज में चेक करके उस फोटो को ओपन कर लेना है। तो हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फोटो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस आइकन पर चले जाना है। तो हम इस आइकन पर चले जाएंगे। अब इस आइकन पे आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आपको दोनों को ऑन कर देना है। तो हम ऑन कर देंगे। ऑन करते आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा मेनली सेलेक्ट प्रोफाइल का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन चूज कर लेना है। तो हम चूज कर लेंगे। अब चूज हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है निकॉन का सेटिंग, और ढूंढने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। और अप्लाई हो जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली डन कर देना है। तो हम डन कर देंगे। अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर इस टूल पर चले आने हैं। तो हम इस टूल पर चले आएंगे। अब इस टूल पर आने के बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मिक्स टूल का ऑप्शन, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते सबसे पहला कलर चूज करना है आपको यहाँ पर पीला वाला। तो हम चूज कर लेंगे। इसका आपको ह्यू का ऑप्शन पूरा का पूरा माइनस कर देना है। तो हम माइनस कर देंगे। इसके बाद आपको चूज करना है हरा वाला कलर। तो हम चूज कर लेंगे। इसका भी आपको ह्यू का ऑप्शन पूरा का पूरा माइनस कर देना है। तो हम माइनस कर देंगे। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली डन कर देना है। तो हम डन कर देंगे। तो अब इसके बाद दोस्तों, आपको ये वाले टूल पर चले जाना है। तो हम इस टूल पर चले जाएंगे। अब इस टूल पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो हम करीब इतना बढ़ा लूँगा। इसके बाद थोड़ा सा डीएच को माइनस कर दूँगा। इसके बाद थोड़ा सा बिगनर को भी लो कर दूँगा। इसके बाद थोड़ा सा मिड पॉइंट को हटा दूँगा। और इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर उसके नीचे वाले टूल पर चले जाना है। तो हम इस टूल पर चले जाएंगे। अब इस टूल पर आने के बाद यहाँ पर मैं शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। तो हम करीब इतना कर लेता हूँ। इसके बाद मैं रेडियस को भी बढ़ा लूँगा। इसके बाद मैं डिटेल को भी बढ़ा लेता हूँ।
इसके बाद मैं नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा लूँगा, तो ऐसा करिए इतना कर देता हूँ। और इसके बाद आपको कलर नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको भी आपको बढ़ा लेना है, तो करिए इतना बढ़ा लूँगा। और सबसे लास्ट में नज़र आ रहा होगा स्मूथनेस का ऑप्शन, इसको भी आपको बढ़ा लेना है, तो करिए इतना बढ़ा लूँगा। और इतना बढ़ जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली डन कर देना है, तो हम डन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फोटो कितनी बढ़िया बन चुकी है। पहले फोटो हमारी कुछ इस तरह की थी बिफोर में, और अब इस तरह की हो चुकी है, तो बहुत ही कमाल की लगती है देखने में। तो इस फोटो को हम सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए यहाँ पर आपको चले जाना है 3 डॉट का ऑप्शन पर, तो ऐसे हम चले जाएंगे 3 डॉट का ऑप्शन पर। आने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आपको सेफ्टी डिवाइस का ऑप्शन, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करते यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन चूज करके यहाँ पर ओके कर देना है, तो हम ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करोगे आपका जो थोड़ा सा टाइम लेगा, और जो आपकी फोटो यहाँ पर सेव हो जाएगी गैलरी में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप इस तरह के आने वाली वीडियो से मिस ना हो पाएं। तो फिलहाल के लिए इतना दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर कल लौटूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।